हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्राकृतिक दृश्य का चित्र कैसे बनाते हैं एंड उसको कैसे शेडिंग करते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने नटराज की पेंसिल का यूज किया है, जो काफ़ी लाइट चलती है। देन हमने इसको डार्क किया है, तो चलिए इसको डार्क भी कर लेते हैं। तो डार्क करने के लिए यहाँ पर मैंने अप्सरा की 10B पेंसिल का यूज़ किया है। ठीक है, तो चलिए इसको डार्क कर लेते हैं। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मैं आपको काफ़ी आसान तरीक़ों से बताने वाला हूँ प्राकृतिक दृश्य का चित्र कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बना लेते हैं। शेडिंग के लिए गाइस, यहाँ पर मैंने अप्सरा की 10B पेंसिल का यूज़ किया है। तो आपके पास भी अगर 10B पेंसिल हो तो उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या गाइस अगर आपके पास कोई भी डार्क ग्रेड की पेंसिल हो तो उसका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको डार्क कर लेते हैं। स्मूथ टेक्सचर के लिए गाइस, मैंने यहाँ पे पेंटिंग ब्रश का यूज किया है। तो आपको भी कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर निकालना है, इससे काफ़ी स्मूथ टेक्सचर निकलता है। तो चलिए इससे हम अच्छी तरह से शेडिंग कर लेते हैं। डार्क शेडिंग के लिए गाइस, मैंने यहाँ पे चारकोल पेंसिल का यूज किया है। तो आपके पास भी अगर चारकोल पेंसिल हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम अच्छी तरह से डार्क कर लेते हैं। इसके बाद गाइस, हमें पेंटिंग ब्रश से कुछ इस प्रकार से शेडिंग करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम अच्छी तरह से शेडिंग कर लेते हैं। देन गाइस, इसकी आउटलाइनिंग के लिए यहाँ पर मैंने डार्क चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है। तो गाइस, आपके भी पास अगर कोई भी डार्क ग्रेड की पेंसिल हो तो आप उससे आउटलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम आउटलाइन कर लेते हैं। इसके बाद गाइस, यहाँ पर मैं ग्राउंड को बना रहा हूँ। तो ग्राउंड को बनाने के लिए सबसे पहले कुछ इस प्रकार से बना लीजिएगा। देन गाइस, हमें वाटर को ऐड करना है इसमें। तो वाटर को सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, देन मैं आपको बताऊंगा कैसे ग्राउंड को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वाटर को ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखते जाइए। यहाँ पर मैं आपको A to Z हर एक बातों को बताने वाला हूँ, कैसे इसको शेडिंग करना है, कैसे इसको बनाना है। तो वीडियो कल तक बन रही है तभी आप इसको अच्छी तरह से सीख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम शेडिंग कर लेते हैं। ग्राउंड को शेडिंग करने के लिए गाइस, मैंने यहाँ पे डार्क चारकोल पेंसिल का यूज किया है। तो आपके पास भी अगर डार्क चारकोल पेंसिल हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको डार्क कर लेते हैं।
इसके बाद गाइस हमें एक झोपड़ी का चित्र बनाना है, तो चलिए इसको भी हम अच्छी तरह से बना लेते हैं। यहाँ पे गए हमें नारियल का दो पेड़ बनाना है, तो चलिए उसको भी हम अच्छी तरह से बना लेते हैं। तो फाइनली गाइस हमारा प्राकृतिक दृश्य का चित्र बनके तैयार चुका है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।